हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और एक इंटरेस्टिंग सा व्हाट्सअप स्टेटस ट्यूटोरियल लेकर, जो कि हम लाइट मोशन ऐप में बनाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से वॉच करना, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और कॉमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर से वॉच करना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले एक प्रीसेट का लिंक मिलेगा। उस प्रीसेट का लिंक को जो है आपको इंपोर्ट करना है लाइट मोशन ऐप में, और उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, सो इसे इंपोर्ट करने के बाद जो है आपको इसे ओपन करना है, एंड यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस आपको सिर्फ यहाँ पे फ़ोटोज़ ऐड करना है, एंड फ़ोटोज़ किस तरह से ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल बीट मार्क्स मिलते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे आपको डबल बीट मार्क मिलते जाएगा, वहाँ से आपको फ़ोटो चेंज करते जाना है, ठीक है। एंड सबसे लास्ट वाला जो लेयर रहेगा उसमें आपको फ़ोटो ऐड नहीं करना है। सो यहाँ पर आपको डिफरेंट कुछ फाइव फ़ोटोज़ ऐड करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पे लेयर पे हम क्लिक करेंगे, एंड उसके बाद जो है हम यहाँ पे फ़ोटोज़ को ऐड करेंगे। ओके, सो लेयर पे हम क्लिक कर लेते हैं जल्दी से, और अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टा का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप मुझे इजीली फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एक भी पार्ट को मिस मत करना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जैसा प्रीव्यू में दिखाया गया है वैसा आपको नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लेयर पर क्लिक करेंगे। ओहो, ओके, सो यहाँ पे हम लेयर पे क्लिक कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ से हम कलर एंड फिल में जाएंगे, स्टार पे जाएंगे, जिस भी फोल्डर में आपकी फ़ोटोज़ है वहाँ से आपको फ़ोटो इंपोर्ट करना है। सो यहाँ पे मैं एक फ़ोटो को ऐड कर लेती हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद जो है मैं आपको बताऊँगी कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। ओके, सो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को ऐड कर लिया, और यहाँ से अब हम आगे जाएंगे, एंड यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट लेयर्स मिल रहे हैं। सो यहाँ पे आपको दूसरी फ़ोटो ऐड करना है, ठीक है। डबल बीट मार्क जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से आपको सारे लेयर्स में सेम फ़ोटो ही ऐड करना है। तो मैं यहाँ पर भी जल्दी से एक फ़ोटो में ऐड कर लेती हूँ, और सारे लेयर्स में भी वही सेम फ़ोटो रखूँगी। ओके ओके, सो यहाँ पे मैंने फ़ोटो को ऐड कर लिया है, और अब हम बाकी के जितने भी लेयर्स हैं, ठीक है, जितने भी लेयर्स हैं, ओके, सो 16 सेकेंड्स तक जो है हमें सेम फ़ोटो ही ऐड करना है सारे लेयर्स में। ओके, एंड आपको पता है ना वन क्लिक में कैसे ऐड कर सकते हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो फर्स्ट लेयर है जहाँ पे हमने फ़ोटो को ऐड किया था, उस फ़ोटो को जो है हमें क्लिक सॉरी कॉपी करना होगा, या फिर आप वन बाय वन फ़ोटो को भी ऐड कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। लेकिन ये वाला जो मेथड है, ये वाला शॉर्टकट मेथड बहुत ही अच्छा। ओके, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ओके यहाँ पर हमें फ़ोटो को चेंज करना था, नहीं नहीं यहाँ पे हमें सेम फ़ोटो को ही ऐड करना था, बाय मिस्टेक मैंने दूसरी फ़ोटो को मैंने ऐड कर दिया। ओके, हमें यहाँ पे कॉपी करना है, और जितने लेयर्स में हमें ड्रैग करना है, जहाँ पे 16 सेकेंड्स तक हमें वहाँ तक हमें सारे लेयर्स को ड्रैग करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेती हूँ जल्दी से, और फिर उसके बाद जो है हम क्या करेंगे,
लेयर्स पे जाएंगे, ओके, और पेस्ट स्टाइल पे जाके सारे अनटिक कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ऑटोमेटिकली वन क्लिक में ये सारे लेयर्स में ऐड हो जाएगा, ओके. सो अब यहाँ से आपको डबल बीट मार्क मिलेगा, सो यहाँ से आपको नेक्स्ट फ़ोटो ऐड करना है, और नेक्स्ट फ़ोटो ऐड करने के लिए आपको 18 सेकेंड तक आपको नेक्स्ट फ़ोटो ऐड करना है, ठीक है. सो जितने भी जहाँ जहाँ से डबल बीट मार्क स्टार्ट होगा वहाँ से आपको अपने फ़ोटो को चेंज करते जाना है. सो यहाँ पर मैं जल्दी से दूसरी फ़ोटो को मैं ऐड कर लेती हूँ, एंड उसके बाद जो है फिर हम देखेंगे एक ही क्लिक में हम सारे लेयर्स में दूसरी सेम फ़ोटो को हम ऐड करेंगे, ओके. तो यहाँ पर हमने ऐड कर लिया, अब रिमेनिंग लेयर्स में भी हमें सेम फ़ोटो ही ऐड करना है. तो कैसे करेंगे हम, सारे पहले हम फ़ोटो जिस लेयर पे हमने फ़ोटो को ऐड किया था उस लेयर को हम कॉपी करेंगे, और रिमेनिंग जितने भी लेयर्स है उन सारे लेयर्स को अगेन हम ड्रैग करेंगे सेम प्रोसेस, और फिर उसके बाद जो है हम पेस्ट करेंगे, ठीक है. लेयर पर जाएंगे, ओके. तो यहाँ पर मैंने गलती से एक लेयर को ऐड कर लिया, ओके. तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, कॉपी लेयर करेंगे दोबारा से, चले गया वो, ओके. सो यहाँ पर हम दोबारा से अगेन हम कॉपी लेयर करेंगे, एंड देन उसके बाद जो है हम सारे लेयर्स को जो है हम ड्रैग करेंगे एक ही क्लिक में, ओके. तो ये हमने ड्रैग कर लिया है, लेयर पर जाएंगे, पेस्ट स्टाइल, एंड अगेन अनटिक एंड पेस्ट. सो ये ऑटोमेटिकली हमारी नेक्स्ट फ़ोटो भी सारी लेयर्स में वन क्लिक में ही ऐड हो गई है. अब यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट फ़ोटो ऐड करना है, 18 सेकेंड के बाद से जो है फिर अगेन आपको नेक्स्ट फ़ोटो ऐड करना है. तो यहाँ पे हम जल्दी से एक फ़ोटो ऐड कर लेते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पे अगेन सेम वही प्रोसेस करेंगे जैसे हमने लास्ट फ़ोटो में हमने किया था. सो यहाँ पर मैंने एक फ़ोटो को ऐड कर लिया है, तो उसके बाद जो है सेम एज इट इज़ आपको सेम प्रोसेस ही करना है, ठीक है, रिमेनिंग लेयर्स में भी. और फिर उसके बाद जो है आपको सारे लेयर्स को ड्रैग करना है, एंड कहाँ तक करना है आपको ये, ओके. सो अप्रॉक्सीमेटली 22 सेकेंड्स के आसपास, ठीक है, 21-22 सेकेंड्स के आसपास जो है आपको सारे लेयर्स को ड्रैग करना है, ओके. सो हमने सारे लेयर्स को हमने ड्रैग कर लिया है, और फिर अगेन लेयर पे जाना है, पेस्ट स्टाइल, सारे अनटिक, और वन क्लिक में ही सारे फ़ोटोज ऐड, ओके. और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हमने गलत फ़ोटो को हमने ऐड कर लिया है. सो मैं यहाँ पे दोबारा से मैं बैक आ जाती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने गलत फ़ोटो को ऐड कर दिया है, ओह गॉड, ओके. सो इसी तरह से आपको सारे लेयर्स में सेम फ़ोटो ही ऐड करना है, जिस लेयर पे आप फ़ोटो को कॉपी करेंगे ऐड करेंगे उन सारे लेयर्स को जो है हम एक ही बार में ड्रैग करके एक ही क्लिक में हम फ़ोटो को हम ऐड कर देंगे. सो यहाँ पे मैं जल्दी से मैं ऐड कर लेती हूँ, तब तक आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को लाइक कर दे, और कमेंट कर दे, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा. अगर आपके पास कोई भी सजेशन है सॉन्ग्स के लिए तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. सो अब यहाँ पर जो है आपको एज़ इट इज़ इसी तरह से आपको एक एक करके जहाँ पे भी डबल बीट मार्क्स मिलेगा वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ को चेंज करते जाना है. सो ये हमारा एक लास्ट लेयर है, तो यहाँ पर हम फ़ोटो को हम ऐड करेंगे, ओके. तो यहाँ पर मैं फ़ोटो देखती हूँ कौन से, ओके, ये नहीं, कहाँ गया, ओके. सो यहाँ पे हमने फ़ोटो को ऐड कर लिया है. अब यहाँ पर जो है आपको सेम प्रोसेस अगेन सारे लेयर्स को ड्रैग करना है, ठीक है. ड्रैग करने के बाद जो है आपको वन क्लिक में ही फ़ोटो को ऐड करना है. पहले हम कॉपी लेयर करेंगे, और फिर उसके बाद जो है हम लेयर्स को ड्रैग करेंगे. ड्रैग करने के बाद जो है हम सारे लेयर्स में एक ही क्लिक में हम फ़ोटो को हम ऐड कर देंगे, ओके. और फिर उसके बाद जो है हमारी वीडियो जो है वो रेडी हो जाएगी, बस ख़त्म, ओके. सो ये हो गया हमारी वीडियो जो है वो रेडी हो गई है जैसा हमने प्रीव्यू में दिखाया. अब यहाँ पर जो है आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार मैं प्ले करके दिखा देती हूँ. मैंने सॉन्ग को म्यूट किया हुआ है ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आए. ओके, तो आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट लग रही है हमारी वीडियो, लाइक जैसा हमने प्रीव्यू में दिखाया था. सो आप देख सकते हैं,
जो लेयर्स आ रहे हैं और जिस तरह से एफ़ेक्ट्स यूज़ किया गया है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है एफ़ेक्ट्स। ओके एंड जिस तरह से हर लेयर में सेम फ़ोटोज़ हम ऐड करते हैं ना, तो उससे क्या होता है हमारी वीडियो और भी अमेजिंग लगती है। सो आपको कैसा लगा हमारा ट्यूटोरियल, प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। एंड इसे अब हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं और आपको क्या सीखने को मिलता है प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। सो चलिए मिलते हैं हम हमारे अगले ट्यूटोरियल में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो टेक केयर, बाय बाय, सी यू।